हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल AR अकेडमी पाकी। और आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि हमारा फोकस रहने वाला है ऑल SSC एग्ज़ाम्स और जितने भी GS GK में हिस्ट्री आते हैं उन सारी चीज़ों पे फोकस रहने वाला है हमारा। और हम उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, हम लोग देखने वाले हैं आज इतिहास। आखिर इतिहास है क्या, इतिहास कैसे आया, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, किन कालखंडों में विभाजित किया गया, क्यों किया गया, इन सारे सवालों के जवाब हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज इतिहास है क्या, आखिर हिस्ट्री है ये क्या चीज़, आखिर हम कैसे जानेंगे कि ये इतिहास है क्या, इतिहास कहाँ से आया, है ना। आखिर इतिहास, यहाँ से अक्सर तीन सवाल आते हैं SSC के एग्ज़ाम्स में, जो कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस इंट्रोडक्शन से सिर्फ तीन सवाल आते हैं और तीन क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो वो अभी आपका यू चुटकियों में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री, आखिर ये जो शब्द है हिस्ट्री, ये आया कहाँ से। तो ये एक यूनानी यानी कि एक ग्रीक भाषा है क्या, हिस्टोरिया। ये एक ग्रीक भाषा है यानी कि एक ये यूनानी भाषा है, यूनान में बोला जाने वाला भाषा हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री, इतिहास। यहाँ तक हम लोगों को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया से आया है, इससे ही क्या आया है, इतिहास आया है। यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो यूनानी भाषा, इसको तो कोई यूनान का इंसान होगा जो बनाया होगा। तो यूनान का एक व्यक्ति था जिसका नाम पड़ा हेरोडोट्स। यूनान का एक व्यक्ति है जिसका नाम था हेरोडोट्स, और हेरोडोट्स ने ही इस हिस्टोरिया से हिस्ट्री का उत्पत्ति किया। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं यूनानी भाषा और ये ग्रीक भाषा दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। एक ग्रीक भाषा जो कि यूनान में बोला जाता है, उसको हम यूनानी भाषा भी बोलते हैं। और यूनान का एक व्यक्ति था, यूनान का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम पड़ा हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स ने ही इस इतिहास का उत्पत्ति किया, वो भी किस लैंग्वेज से, तो यूनानी भाषा से। और यूनानी में कौन सा भाषा, हिस्टोरिया भाषा से हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति करने वाला व्यक्ति कौन था, हेरोडोट्स। आपको हमेशा याद रखना है हेरोडोट्स जो था वो हिस्ट्री का उत्पत्ति किया। तो अब हम आपको यहाँ पर बताते चले थोड़ा सा कि ये जो हेरोडोट्स है, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम लोगों ने हिस्ट्री के रूप में पढ़ा। और वो कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, तो वो पुस्तक है हिस्टोरिका। वो पुस्तक थी हिस्टोरिका जो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई, और यही सबसे पहली पुस्तक है इतिहास की, हमारे भारत के इतिहास की सबसे पहली पुस्तक यही है हिस्टोरिका, यही जो लिखा गया था हेरोडोटस के द्वारा। ये पुस्तक सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है इतिहास की। इससे पहले भी एक पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले का कोई पुस्तक नहीं है, इससे पहले का भी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इससे सबसे पहले का पुस्तक है। लेकिन उसमें इतिहास कुछ इस तरह से वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसको हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मिक्स्ड थी। उसमें ये पता ही नहीं चलता था आधुनिक काल कौन सा है, उसके बाद ये भी नहीं पता चलता था मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकाल कौन सा है, उसके बाद ये भी पता नहीं चलता था एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन काल कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों को बाद में हमारे इतिहासकार लोगों ने उस पुस्तक का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद पता किया कि मध्यकाल कौन सा रहेगा, प्राचीन काल कौन सा रहेगा और आधुनिक काल कौन सा रहेगा। और आपको बताते चले कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये 1817 में लिखी गई पुस्तक थी जो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ से सवाल आता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया, एक वन शॉट का रिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आखिर हिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से आई, हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री किस भाषा से लिया गया है। तो हिस्ट्री यूनान भाषा यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है, और वो कौन सा भाषा है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री को लिया गया, हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति करने वाला यूनान का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेरोडोट्स। और वही हेरोडोट्स सबसे पहली पुस्तक अपनी इतिहास की हिस्टोरिका लिखा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट,
तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट कि आखिर इतिहास को तीन भागों में ही क्यों बांटा गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि इतिहास को छह भागों में बांट दे, इतिहास को नौ भागों में बांट दे। क्या कारण था कि इतिहास को तीन भाग में ही बांटा गया? कुछ तो रीजन रहे होंगे इसके पीछे, वरना ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि इतिहास को छह भाग में बांट दिए। छह भाग में आखिर क्यों नहीं बांटा गया? आखिर क्यों तीन ही भाग में बांटा गया? आखिर क्यों सात भाग में बांटा नहीं गया? क्यों चार भाग में बांटा नहीं गया? इसके पीछे का क्या रीजन है, आप बता सकते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है, आप बता सकते हैं? जिनको पता है वो जल्दी से कमेंट करें कि आखिर क्यों तीन भाग में ही इतिहास को बांटा गया था। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम उसको छह भाग में बांट दें? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम उसको सात भाग में बांट दें? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम उसको चार भाग में बांट दें? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? कौन सी ऐसी रीजन थी जिससे इतिहास को तीन ही भाग में बांटा गया? तो हम इसमें देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक बहुत ही अच्छी पॉइंट हम देखने वाले हैं इसमें। और वो पॉइंट क्या रहने वाला है, आप लोगों को तो पता है कि जो इतिहास है, इतिहास तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा? तो इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है जो कि तीन कालखंड हैं। सबसे पहला है प्राचीन, प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल। एंड तीसरा है दोस्तों आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो आखिर क्यों यही तीन भाग में बांटा गया इतिहास को? हम इसको छह भाग में भी बांट सकते थे, सात भाग में भी बांट सकते थे, चार भाग में भी बांट सकते थे, दस भाग में भी बांट सकते थे। क्या रीजन है, आखिर क्या वजह थी कि इतिहास को तीन ही भाग में बांट दिया गया? तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे कोई बड़ा कहानी नहीं है, बस एक छोटी सी शॉर्ट कहानी है। और वो शॉर्ट कहानी क्या है तो आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सबसे पहली कि जब लोग अंग्रेज थे, ठीक है, उससे पहले लोग क्या थे? मुस्लिम शासक थे। उससे पहले लोग क्या थे? हिंदू शासक थे। कुछ इस प्रकार से बात रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में अगर बात करें तो गुप्त काल से लगभग माना जाता है बच्चों 700 ईस्वी तक। कब तक मानते हैं? तो गुप्त काल से हम लोग लगभग मानते हैं 700 ईस्वी तक। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लगभग की बात कर रहे 700 ईस्वी। और अगर एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पर 712 ईस्वी मानी जाती है, ठीक है? ये है प्राचीन काल। मध्यकाल में दोस्तों, मध्यकाल में 712 ईस्वी से लेकर, यहाँ पर कई लोगों को मानना है कि अप्रोक्सीमेटली 1700 ईस्वी तक होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो माने कि अप्रोक्सीमेटली 1700 ईस्वी तक है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, 1750 ईस्वी तक है। और कुछ लोग मानते हैं कि 1707 ईस्वी तक। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 1707 ईस्वी तक है, ठीक है? 712 टू 1707 ईस्वी तक मध्यकाल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और जो तीसरा है वो माना गया आधुनिक काल 1707 ईस्वी टू 1947 ईस्वी। ये हम लोग मानते हैं आधुनिक काल को दोस्तों। और यहाँ पर कुछ पुस्तकों के अंदर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको कुछ पुस्तकों के अंदर ये भी दिया हुआ रहता है कि ये जो 712 टू आपको दिख रहा होगा 1707, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 712 टू जो 1707 आपको दिख रहा होगा, तो कुछ पुस्तकों के अंदर ये भी दिखाया जाता है कि 712 टू यहाँ पर 1857 तक की बात की जाती है। कुछ पुस्तकों के अंदर मध्यकाल को ये दर्शाया जाता है और कुछ पुस्तकों के अंदर आधुनिक काल को 1857 से 1947 तक दर्शाई जाती है दोस्तों। तो ये आपको पता होने चाहिए कि कुछ पुस्तकों के अंदर मध्यकाल को 712 से 1857 तक दर्शाई जाती है और कुछ पुस्तकों के अंदर आधुनिक काल को 1857 टू 1947 तक दर्शाई जाती है। तो ये है बच्चों आपका इतिहास के तीन भाग, जो कि पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। ये तो बात हो गई, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं तो ये बात हम लोग करने वाले हैं कि आखिर क्यों इतिहास को तीन भाग में ही बांटा गया, क्या रीजन था। तो बात यहाँ पे आती है दोस्तों, तीन भाग में बांटने की बात जो आती है इतिहास की, वो ये आती है। एक पुस्तक थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि
ये पुस्तक जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था और ये पुस्तक 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक के अंदर की कहानी की अगर बात करें दोस्तों, तो इस पुस्तक के अंदर कहानी कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले तो ये 1817 ईस्वी में लिखा गया था और वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये पुस्तक जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा कि हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 ईस्वी की है, जेम्स मिल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। इस पुस्तक को जब भारतीय इतिहासकारों ने अध्ययन किया, सबसे पहले तो इस पुस्तक के अंदर जो भी इतिहास लिखी गई थी उसमें ये पता ही नहीं चल पाता था कि मध्यकाल कौन सा है, प्राचीन काल कौन सा है और आधुनिक काल कौन सा है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब बाद में भारतीय इतिहासकारों ने इस पुस्तक को अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनको ये पता चला, क्या पता चला, कि सबसे पहले गुप्त काल से बात करें तो 712 ईस्वी तक की जो बात हो रही है वो बात, वहाँ पे कौन से शासक हुआ करते थे, हिंदू शासक राज किए। याद रखिएगा कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में कौन से शासक, कौन से एम्पायर वहाँ पे अपना राज जमाए, कौन से जो शासक थे वो अपना राज्य वहाँ पे स्थापित किए प्राचीन काल के अंदर, तो पूरा प्राचीन काल के अंदर हिंदू लोगों का राज जमा हुआ था, हिंदू शासक का राज जमा हुआ था ये पूरे प्राचीन काल के अंदर। अब अगर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो मध्यकाल के अंदर पूरा मुस्लिम लोगों का अधिकार था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना रहता है मुस्लिम शासक के बारे में, यानी कि मध्यकाल के अंदर ओनली फॉर मुस्लिम शासक राज किए, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद बिन कासिम आए और औरंगजेब की मृत्यु तक जानेंगे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो यानी कि मध्यकाल के अंदर 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक सिर्फ मुस्लिम शासक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है दोस्तों आधुनिक काल। इस आधुनिक काल के अंदर कौन से लोग राज किए, तो इस आधुनिक काल के अंदर ओनली फॉर अंग्रेज शासक रहे, अंग्रेज शासकों ने राज किया। तो ये है हमारा तीन भागों में बांटने का मेन मुद्दा इतिहास को, यानी कि जो प्राचीन काल था उस पूरे प्राचीन काल पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू शासक राज किए, और जो मध्यकाल आया उस मध्यकाल में पूरा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक अपना राज्य स्थापित किए, अपना राजपाट चलाया, और जो आधुनिक काल था पूरे आधुनिक काल में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज शासकों ने मिलकर अपना राज चलाया। तो इसलिए बच्चों इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया, पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जल्दी से नोट कर लें। और इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इस विषय पर पढ़ेंगे कि आखिर बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आता है कि सर ADBC इन सारी चीज को कैसे समझे, कैसे क्लियर करें। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग देखने वाले हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसमें तीन भाग है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को डेट का प्रॉब्लम होता है। आखिर जो डेट होता है, कई जगह पर ईस्वी लिखा होता है और कई जगह पर ईसा पूर्व लिखा होता है, ये भी डेट का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे दोस्तों को। तो चलिए आज हम लोग उसको भी देखने वाले हैं कि आखिर जो डेट का प्रॉब्लम है वो क्या है। सपोज दोस्तों हम बात करते हैं डेट की प्रॉब्लम की, तो डेट का प्रॉब्लम में हम ये बात करने वाले हैं, आप हमको बताएंगे ज़रा कि आज कितना ईस्वी चल रहा है। आज चल रहा है दोस्तों 2023। ये आपको पता है कि अभी जो हमारा डेट पीरियड चल रहा है वो चल रहा है 2023। तो आप बता सकते हैं कि आज से पहले कभी 2000 साल भी रहा होगा, कभी 2020 भी रहा होगा, कभी 2015 भी रहा होगा, इस प्रकार से कई डेट्स भी रहे होंगे, वो तो आपको पता ही है और वो आप बता भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि जो समय का जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों को, उसको हम लोग दूर कैसे करें, ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो समय का प्रॉब्लम है वो बच्चों को दूर कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को आ जाती है डेट प्रॉब्लम, यानी कि ईस्वी ईसा पूर्व, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आती है, यानी कि हम कह सकते हैं ADBC।
ये वाली प्रॉब्लम बच्चों में आना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि आखिर एडी और बीसी क्यों दर्शाया जाता है और ईसवी और ईसा पूर्व क्या है। बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए हम लोग आज लेके आए। तो यहाँ पर देखिए, बात करें तो आप अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2023। क्या आज से पहले 2020 भी रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। क्या इससे पहले 2010 भी रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। क्या इससे पहले 1900 रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। क्या इससे पहले 1000 भी रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। क्या इससे पहले 20 भी रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। और क्या इससे पहले 0 भी रहा होगा? ऑफ कोर्स रहा होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हुआ। 0, 20 साल, 1000 साल, 1900 साल, 2010 है ना, 2020 साल, 2023 साल अभी चल रहा है। तो इस 2023 जो आज चल रहा है, उससे पहले 2020 आया होगा, उससे पहले 10 भी आया होगा, उससे पहले 1900 भी आया होगा, उससे पहले 1000 साल भी आया होगा, और उससे पहले 20 साल भी आया होगा, उससे पहले 0 साल भी आया होगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट कोड में लिखते हैं। तो इसको अगर शॉर्ट कोड में लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, क्या कि आज चल रहा है 2023, लेकिन इससे पहले 1000 साल भी आया होगा, इससे पहले 100 साल भी आया होगा, और इससे पहले 0 साल भी आया होगा। अब इससे पहले भी तो कुछ रहा होगा, ऑफ कोर्स इससे पहले भी तो कुछ रहा होगा ना। वो क्या, हम लोग तो मान लिए 0 तक था, इससे पहले भी कुछ रहा होगा। बिल्कुल, इससे पहले भी कुछ रहा होगा। इससे पहले मानते हैं माइनस में होगा 100 साल, इससे पहले मानते हैं कि माइनस में होगा 1000 साल, इससे पहले मानते हैं कि जो भी पीछे चला गया तो माइनस में चलता गया। अब बच्चों को डाउट ये आती है कि सर किसको हम लोग बीसी पढ़ें और किसको हम लोग एडी पढ़ें। प्रॉब्लम यहाँ अक्सर बच्चों को आती है। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो 0 दिख रहा है, शून्य, इस शून्य पे ईसा मसीह, इस शून्य पे ईसा मसीह, यानी कहने का मतलब ईसु है ना, ईसु का यहाँ पे माना जाता है कि उनका जन्म 0 पर हुआ था, ये उनका जन्म माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो 0 पर हुआ था। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ईसा मसीह का जन्म जो 0 पर हुआ था, उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद की बात ये हो जाएगी कि जो भी ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद, याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे एडी। और जो ईसा मसीह के जन्म से पहले रहा है, हम लोग उसको क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं बीसी। याद रखिएगा, हम लोग उसको क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीसी। यही एडी और बीसी में बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे दोस्तों को इसी में प्रॉब्लम होती है, और वही प्रॉब्लम को आज हम लोग दूर करने वाले हैं। तो दूर कैसे करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि जो 0 आती है वो क्या है, बीसी, याद रखिएगा, ठीक है। और 0 के जो बाद आएगी उसको क्या पढ़ेंगे, एडी। अब यहाँ पर बात करते हैं एडी की। तो एडी का अर्थ होता है बच्चों एनो डोमिनी, एना डोमनी होता है बच्चों ईसवी का, और बीसी का क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि पहले, किसके पहले, ईसा मसीह के पहले जो भी पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बीसी कहलाएगा, और जो ईसा मसीह के बाद रहेगा एडी, वो क्या कहलाएगा, एनो डोमनी कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सपोर्टेड लेते हैं 600 BC, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 600 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले। हम लेते हैं 2000 AD, यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं 2000 की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। BC का मतलब हो जाएगा ईसा पूर्व, ठीक है, और AD का मतलब हो जाएगा ईसवी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिलता है कि 2000 AD, या फिर आपको मिल जाए 800 BC, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि BC बिफोर क्राइस्ट 800 की बात कर रहा है, तो 0 से पीछे आएगा और 0 से पीछे BC पड़ेगा, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले की बात हो रही है। और जब भी AD दे देगा तो आपको पता होना चाहिए AD का मतलब होता है ईसवी। तो ये थी बच्चों की समस्या डेट प्रॉब्लम की, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर किसी भी बच्चों को ये डेट की प्रॉब्लम है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें,
कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट करेंगे। अब यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत को। किसको हम देखने वाले हैं? मध्यकालीन भारत। हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से। लेकिन मध्यकालीन भारत को स्टार्टिंग करने से पहले हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारी वीडियो से आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि सारे दोस्तों को हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत को कि आखिर मध्यकालीन भारत क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो मध्यकालीन भारत रहने वाला है उस मध्यकालीन भारत के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? मुस्लिम शासक के अंदर, मुस्लिम शासक की बातें हम लोग इसके पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर दोस्तों? तो मध्यकालीन भारत। किसके अंदर? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ओनली फॉर पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम शासक के बारे में कि किस प्रकार मुस्लिम शासकों ने आखिर मध्यकालीन भारत पर राज किया और वो कौन कौन से शासक थे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो मुस्लिम शासकों ने राज किया वो एक, अगर आप बताएंगे तो मैं आपको एक छोटे से ट्रिक में पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत ख़त्म कर दूंगा। अगर आप थोड़ा सा, अगर हम आपको हिंट्स दें तो आप इतना समझ जाइए कि आप एक लाइन में पूरा मध्यकालीन भारत आपकी कंप्लीट, कौन कौन से शासक आए, कब आए, कैसे आए, ये सारी चीज़ें बस एक लाइन में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। अगर आपको जानना है तो आप जल्दी से देखिए बोर्ड की ओर, और आपको हम बता रहे हैं ओनली फॉर एक लाइन में, एक ट्रिक में पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। और वो ट्रिक क्या है? कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में। कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, देखिए कैसे। कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, ये आपका कंप्लीट हो गया एक लाइन में पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत। कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 702 से 1707 तक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम लोग मध्यकालीन के अंदर पढ़ने वाले हैं, सॉरी 712 से 1707 तक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम आया और औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि कासिम गजनी गौरा है ना, कासिम, कासिम से पता चल रहा है मोहम्मद बिन कासिम, गजनी से पता चल रहा है मोहम्मद गजनवी है ना। देखिए मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद गजनी से पता चल रहा है मोहम्मद गजनवी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, यहाँ तक कासिम से तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे पहले ये कितने ईस्वी में आएगा, तो ये आएगा 712 ईस्वी में आया, ठीक है। और उसके बाद मध्यकालीन जो भारत है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 1707 ईस्वी तक। तो कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में है ना। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं कि आखिर जो गौरा है, तो आपको पता होगा गौरा से पता चल रहा है मोहम्मद गौरी, गौरा से क्या पता चल रहा है मोहम्मद गौरी, गौरा से पता चल रहा है मोहम्मद गौरी। अब बच्चों बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशज थे, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशज थे? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 वंशज थे। कितने वंशज थे दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 वंशज थे। अब कौन कौन सा वंशज हैं, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से वंशज हैं है ना। तो जैसा आपको पता होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश है ना, उसके बाद लोदी, सैयद वंश, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं गुड़ से हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खाओ से हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद त से हो जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद स से हो जाएगा सैयद वंश,
उसके बाद ल से हो जाएगा लोदी। यहां तक आपको कंप्लीट है। अब देखिए सर, यहां से मैंने आपको बताया था कि अभी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे, तो कुल 5 वंश थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बच रहा है, और वो कौन सा बच रहा है, तसले में म बच रहा है दोस्तों। और म बहुत ही जाना पहचाना वंशज है, हर एक बच्चे को पता होगा, हर एक बच्चे के मुंह पे याद होगा वो कौन सा वंश है, तो वो है दोस्तों मुगल वंश। ये हर एक बच्चे जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर पूरे 5 वंश थे, और कौन कौन से, गुड़ खाओ तसले में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी, मुगल वंश। टोटल देखिए 1, 2, 3, 4 और 1, 5 वंश, है ना। ये लोदी नहीं है, ये वंशज नहीं आ रहा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और मुगल वंश, टोटल 5 वंश थे, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये 1707 ईस्वी हो गया, और यहाँ जो हम लोगों ने देखा ये पूरा का पूरा हो गया आपका दोस्तों, ये पूरा का पूरा हो गया 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक में ये पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत हम लोगों ने ख़त्म कर दिया यूँ चुटकी बजाते ही। तो अब इसमें बच्चों बात करेंगे, सबसे पहले की बात करते हैं तो आखिर ये जो मुस्लिम लोग थे, जो ये पूरा आप लोगों ने देख लिया, कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, है ना, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश और लोदी, इन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन उठता है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर मुस्लिम की उत्पत्ति कहाँ से और मुस्लिम आए कहाँ से। और मैं बच्चों से ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि जो बच्चे मुस्लिम हैं, है ना, वो जवाब देंगे कि आखिर सच्चा मुसलमान कौन है, सच्चा मुसलमान कौन है, आप इसका हमको जवाब देंगे कि आखिर सच्चा मुसलमान किसको कहते हैं। तो आज तक के लिए हम लोग बस यहीं तक लेके रखते हैं, और आप अगर आपको मेरी क्लास है समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास रहने वाला है, आखिर मुस्लिम की उत्पत्ति कहाँ से हुई और मुस्लिम लोग कैसे 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक अपना राज स्थापित किए पूरे मध्यकालीन भारत के अंदर, उसको समझने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।